फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? होप आप लोग अच्छे ही होंगे। अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग का और बस जस्ट मैं शावर लेकर आई हूँ। आज हेयर वॉश किए हैं, कल मैंने एलोवेरा जेल लगाया था ना नाइट में, तो बस अभी मैंने बालों को वॉश किया था और अभी तो ये काफ़ी गीले हैं। और मैं नाइट में फिर से जो है ऑयलिंग करूँगी बालों में और कल फिर शैम्पू करूँगी, क्योंकि कल है मंडे तो कल तो मुझे हेयर वॉश करना ही है। इसीलिए जो है ना मैंने कल एलोवेरा लगा लिया था और बाल जो है ना काफ़ी अच्छे हो जाते हैं इससे। अब एलोवेरा जो है ना काफ़ी फ़ायदा करता है हमारे बालों में, बाल जो है सिल्की शाइनी हो जाते हैं और अगर झड़ रहे हों, डैंड्रफ हो तो उसकी प्रॉब्लम भी कम होती है। अगर आपके रफ बाल है ना तो आप लगा सकते हैं, रेडीमेड वाला भी लगा सकते हैं या फिर नेचुरल लगा सकते हैं जो मैंने कल लगाया था। और मेरे पास कमेंट भी आया था कि आप जो है शेयर कीजिएगा किस तरह से आप अपने बालों में लगाते हो, तो कल तो मैंने लगा लिया लेकिन अब मैं नेक्स्ट टाइम जब भी लगाऊंगी ना आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो बस अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए और आज मैं बनाऊंगी पोहा। काफ़ी दिन से नहीं खाया है, आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा, काफ़ी दिन से ब्रेकफास्ट में पोहा बना भी नहीं है, तो बस वही बनाने वाली हूँ और फिर देखते हैं लंच में क्या बनाती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। पोहा बनाने के लिए मैंने रख दी है गैस पर कढ़ाई और इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। ये मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल में जो है ना हमको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बाकी सबके अपनी चॉइस होती है आपको जिस ऑयल में बनाना है। बस मस्टर्ड ऑयल में जब भी कुकिंग करें तो उसको जो है ना अच्छे से गर्म कर लें, तो उससे जो है ना सरसों के ऑयल की जो महक होती है वो चली जाती है। बहुत से लोग इसीलिए खाना पसंद नहीं करते हैं, तो बस ऑयल को अच्छे से गर्म कर लें काफ़ी अच्छे से और बस आराम से इसमें कुकिंग करें, बिल्कुल भी महक नहीं आती है। हम तो जो है हमेशा ही कुकिंग में मस्टर्ड ऑयल ही यूज करते हैं क्योंकि इससे जो है ना सब्ज़ी का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर मस्टर्ड ऑयल कभी ख़त्म भी हो जाता है ना, तो मैंने एक आधी बार रिफाइंड ऑयल में भी सब्ज़ी बनाई है तो अच्छा टेस्ट नहीं लगता है इतना, इसमें ही हमें अच्छी लगती है, टेस्ट आता है। तो बस ऑयल में जो है मैंने मूंगफली के दाने फ्राई करके निकाल लिए हैं और सिंपली बना रही हूँ, आलू प्याज हरी मिर्च वगैरह डालकर। पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और बस यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है चला लूँगी। तो जो आलू है ना उनको पहले फ्राई कर लें तो इनसे जो है ना उसमें थोड़ा सा क्रंचीनेस भी होता है और अच्छे भी लगते हैं खाने में। आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, आलू पहले फ्राई कर लें उसके बाद ही उसमें हरी मिर्च प्याज टमाटर जो भी आपको डालना है ना वो डाल सकते हैं। मैंने टमाटर नहीं डाला है, ऐसे ही मन नहीं था, और बस पोहा ऐड कर दिया है। इसको मैंने पहले भिगो कर रख दिया था, अच्छे से मिक्स कर दूंगी और बस साथ ही मैं डाल दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, सिंपल ही पोहा बना रही हूँ, अच्छा लगता है इस तरह से भी, और स्टीम वाला जो पोहा है वो भी अच्छा लगता है, तो जब जैसा मन होता है वैसे ही बना लेती हूँ। तो बस इनको जो है मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब मैं गैस को ऑफ़ कर दूंगी और ढक दूंगी 5 मिनट के लिए ताकि जो स्टीम है ना वो बन जाएगी तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने गैस को ऑफ़ करके ढक दिया है, 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं एक बार फिर से मिला दूंगी और ऊपर से डाल दूंगी जो मूंगफली के दाने फ्राई करके रखे थे। तो हमारा सिंपल सा पोहा बनकर तैयार हो चुका है, आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ खाने के लिए। और इसमें जो है मैं करी पत्ता ऐड करना भूल गई थी, तो आप लोग ज़रूर डाल दीजिएगा। तो चलिए हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं पहले। अभी टाइम हो रहा है इवनिंग का और मैं जो है ना यहाँ पर ये जो कंटेनर है ना इनको ही कुछ को मुझे क्लीन करना है। ये इसमें थोड़ा सा नमकीन है, इसमें भी थोड़ा सा नमकीन है, तो इनको जो है ना मैं जो छोटे कंटेनर हैं उनमें रख के साफ करूँगी। और ये मूंगफली के दाने जो है ना इसमें ये आप देख सकते हैं कुछ कुछ जो है ना वाइट वाइट हैं, तो कुछ दाने ना सही भी नहीं हैं। ये तो कुछ दाने ना बीच बीच में इसमें ख़राब भी हैं, वो मुझे साफ़ करना है क्योंकि फिर जब भी मैं इसमें डालती हूँ ना तो मुझे उस टाइम वो हटाना पड़ता है। तो मैं सोच रही हूँ कि जो इस तरह से है तो इनको मैं हटा ही दूँ।
तो बस यहाँ पर जो मूंगफली के दाने हैं उनको ही मैं साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो साफ़ ही हैं लेकिन जो दाने ख़राब हैं ना और जो वाइट वाइट हैं उनको ही मैं हटा रही हूँ, क्योंकि फिर जब भी मैं डालती हूँ ना तो मुझे हटाना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि चलो इनको मैं जो है देख कर रख देती हूँ। अभी बैठ गई हूँ मैं यहाँ पर आकर पांडा जी के साथ, तो पांडा जी ये बैठे हुए हैं, सभी को बोल रहे हैं हेलो। मैंने आप सभी को हेलो बोल दिया। और गर्मी ना अभी ऐसे ही है, मौसम हो रहा है, कल से मौसम हो रहा है कि बारिश होगी, बिल्कुल अभी भी बादल है बाहर लेकिन बारिश नहीं आ रही है, गर्मी लगने लगती है। और जो चिपचिप वाली गर्मी है ना अभी ऐसा मौसम हो गया है तो गर्मी तो है ही, क्या कर सकते हैं। अभी ना मैं बनाने वाली हूँ पनीर के पराठे, पनीर रखा हुआ है तो ये बोल रहे हैं कि पनीर के पराठे ही बना लो, तो वही आज का हमारा डिनर हो जाएगा। सब्जी रोटी नहीं बना रही हूँ मैं, और मैं लौकी की सब्जी रखी हुई है तो बस वही साथ में ले लेंगे। मॉर्निंग में बनाई थी मैंने लंच में, इसीलिए शेयर नहीं की क्योंकि लौकी की सब्जी बनाई थी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, और क्या सिंपल सा जो लंच है वो बनाया तो रेसिपी शेयर नहीं की, तो बस वो रखी हुई है। अचार है तो वो ले लेंगे, और चाय नहीं बनाऊंगी क्योंकि गर्मी ना काफ़ी हो रही है। वैसे पनीर के पराठों के साथ ना चाय काफ़ी अच्छी लगती है लेकिन मन नहीं है ये चाय पीने का, तो बस यही आज का हमारा डिनर होगा। बारिश हो जाए ना तो अच्छा मौसम हो जाएगा, देखते हैं कब होती है बारिश। बारिश का मौसम तो ऑल टाइम ही रहता है। आप लोग बताइएगा आपके यहाँ कैसा वेदर है। चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। अभी जो है यहाँ पर मैं बैठकर आप लोगों के कमेंट रीड कर रही हूँ, और मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी लेट हो जाता है क्योंकि बिजी रहते हैं किसी ना किसी काम में। तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के कमेंट ही रीड नहीं करती हूँ, मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, जब टाइम मिलता है ना तब आंसर दे देती हूँ, लेकिन कमेंट हमेशा रीड कर लेती हूँ आप लोगों के। तो बस यहाँ पर मैं आपके जो कमेंट है वही पढ़ रही थी, और सच बताऊँ ना तो आप लोगों के कमेंट पढ़ के काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, काफ़ी खुशी होती है जब आप लोग इतने प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो और हम लोगों को मोटिवेट करते हो ना, सच में काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है आप लोगों के कमेंट पढ़ के। सो इसी तरह से मोटिवेट करते रहिएगा, और बस आज की ये वीडियो पसंद आए ना सो एक लाइक करके ही जाइएगा, जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस अभी जो है मैं कुछ टाइम बैठूँगी, मोबाइल चलाऊँगी और उसके बाद जाऊँगी डिनर बनाने के लिए। ये है लौकी, तो ये लेकर आए थे मॉर्निंग में, इनको मैंने वॉश करके रख दिया है। साथ में ये लेकर आए थे मैंगो जो कि मुझे काफी पसंद है, तो इनको भी मैंने वॉश करके रख दिया था। और मैंने जो है ना एक मैंगो खा भी लिया है, ठंडे नहीं थे लेकिन फिर भी, तो बस इनको मैं रखूंगी फ्रिज में। पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो स्टफिंग तैयार कर ली है, तो बस पनीर को कद्दूकस कर लिया था, इसमें बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और टमाटर को भी ऐड किया है, तो जो चॉपर है ना उसी से मैंने बारीक बारीक सारी चीज़ों को चॉप कर लिया था। और बस लाल मिर्च पाउडर डाली है, नमक डाला है, अच्छे से मिक्स कर लिया है, और बस यहाँ पर मैं जो है पराठे बना रही हूँ। तो स्टफिंग मैंने भर ली है और हल्के हल्के हाथों से इसको बेल लूँगी। और पहले मैंने जो है ना लोहे वाला तवा रखा था सेकने के लिए, लेकिन फिर उसके बाद जो है मैंने नॉनस्टिक तवा रख लिया क्योंकि इस पर जो है ना काफ़ी अच्छे पराठे जो है ना वो सिकते हैं, चाहे पनीर के हो या आलू के हो, उन पर भी सिक जाते हैं लेकिन इस पर जो है और भी अच्छे सिकते हैं। और आई नो कि जो लोहे का तवा है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, उसी पर हमें बनाना चाहिए, लेकिन कभी कभी बनाती हूँ तो सोचा चलो इस पर ही बना लेती हूँ। और पराठे को जो है मैंने दोनों साइड से घी लगा दिया है और पलट पलट कर अच्छे से सेक लूँगी, तो पनीर पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। और जिस जिस को भी पसंद है पनीर पराठा सो बस आ जाइए खाने के लिए। यहाँ पर जो है ना मैं दबा दबा कर इसको अच्छे से सेक लूँगी, और पराठे हम लोगों ने खा लिए हैं। यहाँ पर बस जो बर्तन निकले हैं उन्हीं को मैं साफ़ कर रही हूँ। और मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है अंजलि शर्मा, इनकी बेटी का बर्थडे है 10 अगस्त को, सो विश यू हैप्पी बर्थडे डियर, आप खुश रहिए हैप्पी रहिए। और ये जो सब्सक्राइबर हैं ये ग्वालियर से ही हैं, और मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप जो है अपने मायके में रहने के लिए नहीं जाती हो क्या, तो मैं आंसर देना चाहूँगी कि मैं जो है लोकल में ही हूँ, तो जो लोकल वाले हैं ना उनको नसीब नहीं होता है कि वो अपने मायके में रह पाएँ, तो
भाई मेरे साथ है, मेरे नसीब में जो है ना मायके में रहने का सुख नहीं है। मैं जाती हूँ और आ जाती हूँ। शादी के बाद से मैं अपने मायके में 8 दिन भी नहीं रही हूँ। तो मेरे साथ तो यही है कि मैं नहीं रहने के लिए जा पाती हूँ, होने के लिए जाती हूँ लेकिन रुकने के लिए नहीं जा पाती हूँ। तो बस यही मुझे आंसर देना था और आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आज का ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।